फिटनेस कैंप और प्री हार्वेस्ट क्लिनिक हमने यहाँ कुलगाम में एक ऑर्गेनाइज कराया है, ताकि हमारे जो ग्रोवर हजरात है इनको हम बताएं कि किस स्टेज पे कौन कौन सा एप्लीकेशन करनी है, मतलब ग्रीन टिप्स पे क्या करना है, टिक बर्ड जब होएगा उसमें, ये मेरा है नहीं है, अदरवाइज वो है द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा काम है नहीं है, बट ग्रोवर्स हमारे हैं तो हम उनको समझा रहे हैं। हमारा तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स बताने पड़ते हैं, लेकिन प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी अगर इनको बताएंगे इनको फायदा हो जाता है इससे, क्योंकि ये सुकॉस्ट का डिवाइस किया हुआ स्प्रे शेड्यूल है। इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन टिप्स पे इनको क्या अप्लाई करना है, पिक बर्ड्स जब आएगा तो उनको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसी तरह पैटर्न फॉल जब हो जाता है, बेसिकली मैंने उनको अभी देखा यहाँ कि ये मिक्स करते हैं, जैसे मेनकोस जब है या दूसरा कोई जिंक है ये मिक्स करते हैं। इसको गैप में मैंने इनको बताया कि एज पर जो स्कॉस्ट का शेड्यूल किया हुआ है आपको मिनिमम 10 से 14 दिन का गैप देना पड़ेगा इसको एट पिक बर्ड स्टेज। उसके बाद आपका अगर पैटर्न फॉल हो जाता है, व्हेन इट इज 60-70% फॉल हो जाता है, उसमें जितने जितने केमिकल्स दिए हुए हैं इनको मैं यही समझा रहा हूँ, इनको वो अप्लाई करना है ताकि इनका जो प्रोडक्शन है, बिकॉज वी आर कंसर्न विद द पोस्ट हार्वेस्ट, हमारा जो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम मार्केटिंग किस चीज का करेंगे, सो हमको केयर करना पड़ता है कि इनका प्री हार्वेस्ट स्टेज में भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। अगर ये टेक्नोलॉजी के पास नहीं जा पाते हैं तो हमने प्रोग्राम बनाया कि टेक्नोलॉजी को हम इधर ही ले आएंगे, क्योंकि ये बड़े बिजी रहते हैं, टेक्नोक्रेट्स यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमने सोचा है हम कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाएगी। इसी तरह हमने इनको समझाया कि फ्रूट लेट जब साइज हो जाएगा पीस साइज का, फिर उसको भी गैप देना पड़ेगा 10 से 14 दिन तक, तब ये आपको इन में से कोई भी केमिकल अप्लाई करना है, मिक्स नहीं करना है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में भी इसमें दिया हुआ है, सुकॉस्ट साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा इस साल शेड्यूल बनाया है, 12 से 15 दिन गैप इसमें रखें, इनको ये शेड्यूल अप्लाई करके इनका प्रोडक्शन में बहुत फायदा मिल जाएगा। अब ये मुझे भी बता रहे थे, मैंने इनको ये बताया था कि ये जब इसको ऐसे डिगिंग करते हो एटलीस्ट आपको 2 फुट इसको गैप देना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट हैव टू जस्ट एक्सपोज द रूट्स, अगर रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको जो फर्टिलाइजर जाता है वो उससे डिफेक्ट हो जाता है। इसी तरह हमने फ्रूट डेवलपमेंट का भी एक इसमें केमिकल आया है, उसको भी 12 से 15 दिन का गैप देना पड़ता है, अदरवाइज इट विल मिक्स अप विद द प्रीवियस स्प्रे। इसका लॉजिक ये है, फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, बट इट हैज नॉट टू बी यूज्ड इन एक्सेस से इसे प्रॉब्लम ये हो जाती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी बेनिफिट इट इज डिस्ट्रॉइंग द प्रोडक्शन। तो इसी स्टेप में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में भी इनको आ जाता है, उसमें भी इनको 12 से 15 दिन का ये जो सुकॉस्ट का डीएस क्यों हुआ है, सुकॉस्ट के पीपल से मैं बात किया, केवी के, मैंने बोला ठीक है वी जस्ट गो इनटू द ऑर्चर्ड्स एंड एजुकेट अवर ग्रोवर्स अबाउट वेरियस पेस्टिसाइड्स वेरियस स्प्रेस, ताकि इनका जो प्रोडक्शन है वो फायदेमंद हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज का भी बोला है। अब मैंने इनको ये भी बताया कि कभी आपका हॉर्टिकल्चर या सुकॉस्ट बोलते हैं, हमने उनको देखा ही नहीं है, आज देख रहे हैं कि मार्केटिंग वाले आगे मार्केटिंग वाले पेस्टिसाइड बता रहे हैं, मैंने बोला आई एम नॉट ए राइट पर्सन टू जस्ट एजुकेट यू, ये सुकॉस्ट का डिवाइस किया हुआ स्कीम है, ये हमारा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज टू डू इट, बट एज मार्केटिंग पीपल वी आर ट्राइंग टू जस्ट ट्रेवल एक्स्ट्रा माइल टू रीच आउट टू अवर ग्रोवर्स बिकॉज दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हमने कोशिश की, इनको हमने पेस्टिसाइड के बारे में बताया कि जब किस कौन सी क्वांटिटी चाहिए, कब चाहिए, ड्यूरेशन क्या है और इससे इनको प्रोडक्शन में कितना फायदा मिलेगा। इसी तरह पेस्ट भी बताया है इनको और इंसेक्टिसाइड का भी डिटेल बना के इनको हमने अपने नंबर भी दिए है कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी दे कैन कम टू अवर ऑफिस फॉर ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस।